ये लास्टिक है मेरे पास मगीबा, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला लास्टिक है, इसमें सिल्वर लाइन है। ये मेरे पास एक ओपन पड़ा है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ चल दे। ये जो लास्टिक है ना, इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाला। ये पैकेट जो है 25 मीटर का ये बताते हैं, लेकिन इसमें 23 मीटर 22 मीटर इतना निकल जाता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये मैं, मेरे पास पाइपिंग है गोल्डन वाली, ये टिश्यू की पाइपिंग है, ना इसका रंग जाए ना ये प्रेस से श्रिंक होती है, अच्छी क्वालिटी की है। मतलब टिश्यू का कपड़ा लाने से तो 50 गुना ये बेस्ट है, ये लगा लिया करो। इसकी सफाई भी बहुत, फिनिशिंग, ये रेप पाइपिंग है, जो रेप कपड़ा हम कटिंग करते हैं ना उसकी ये पाइपिंग बनी हुई है। उसके बाद उसी क्वालिटी में ये कॉपर की पाइपिंग है, बहुत ही ज़्यादा इसकी सफाई आती है। ये जो पाइपिंग है मैंने दिखाई है आपको, ये कॉटन की है सारी, ये अलग अलग रंगों में आती रहती है, जैसे ये ग्रीन है, ये मेहंदी है, ये स्किन है, ये पिंक आ गई, इस तरह के रंग, हर तरह के रंग मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद मैं ये टिच पहले यूज़ करता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आनी शुरू हो गई, ये फिर मैंने बंद कर दिए, अब मैं ये नहीं यूज़ कर रहा। उसके बाद मैं ये ले आया अच्छे बोल के, उन्होंने अच्छे बोल के दे दिए, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, ये भी नहीं मैं यूज़ करता। अब ये मैं लेके आया हूँ नई डब्बी, कल ही लेके आया था, मैंने उनको कहा था सबसे अच्छी वाली क्वालिटी वाले टिच बटन दिखाओ, इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा तेज है। वाइट कलर का ये पत्ता है और इसको काफ़ी ज़्यादा ये स्टिक है, स्टिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। अब यूज़ करूँगा, कस्टमर ही बताएगा भी अच्छा है कि नहीं अच्छा है, हम तो अच्छा ही बोल के लेके आए हूँ। ये एक पेंट वाली हुक वाली डिब्बी लेके आया हूँ मैं, इसमें चार तरह की होती है, दो होती है आई के लिए, दो होती है हुक के। ये ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे मैंने आपको बताया ये चार पैकेट होते हैं, ये होती है दो सुई वाली आई, इसके साथ की ये पत्ती जो इस तरह की होती है उसके अंदर लग जाती है, तो दो पैकेट होते हैं इसके ये वाली जिसको हुक बोलते हैं हम, ये तीन सुई वाली होती है इस तरह की, और इसके साथ वाली जो पत्ती है ये होती है इस तरह की, उस तीन वाली, तीन सुई वाली हुक में ये पत्ती लगती है बैक साइड में। उसके बाद इस तरह का ये इंची टेप है, ये कपड़े का इंची टेप है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, प्रेस भी इसको लग जाती है तब भी ये ख़राब नहीं होता, सॉफ्ट रहता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो ज़्यादा इसमें बल भी नहीं आते, सीधा रहता है बिल्कुल। सलवार के चौड़े पोंचे बनाने हैं तो ये 3 इंच वाली बुकरम मैं यूज़ करता हूँ, ये भी बढ़िया वाली है, धोने से भी ये ख़राब नहीं होती। उसी क्वालिटी में ये है 1.5 इंची वाली, आप कुरकुरे बुकरम बोल के ले सकते हो, 1.5 इंची वाली, 3 इंची वाली, 4 इंची वाली। अगर बैन वगैरह लगाने होते हैं तो ये दूसरी सिंपल बुकरम है, इसमें एक साइड पेस्टिंग होती है, एक साइड सिंपल है, ये प्रेस से चिपक जाती है। और पैंट में अगर बेल्ट वगैरह लगानी होती है तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये भी सॉफ्ट है। अगर किसी कस्टमर को दिक्कत आती है भी ये थोड़ी हार्ड है ये नहीं लगानी, तो एक और है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये एक मेरे पास टेप है, इसको रिविल सिविल टेप बोलते हैं, ये बुटीक के लिए क्या, घर में, आम घरों में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गलती से कहीं कपड़ा कोई फट जाए, कट लग जाए, इस टेप के साथ हम इसको ठीक कर सकते हैं कपड़े को, गलती से अगर फट जाए या कट लग जाए, घर में भी बच्चे होते हैं कुछ कर देते हैं, काम खराब कर देते हैं, कट मार देते हैं, तो ये टेप इतनी अच्छी चीज़ है ना, ये कपड़े को जोड़ देती है। तो लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग ये रूबिया है,
जो ज्यादातर कस्टमर है यही लाइनिंग पसंद करता है, कॉटन की लाइनिंग है ये रूबिया। ये भी 45 रुपये मीटर, 50 रुपये मीटर मिल जाती है, ये सारी रूबिया है। इसके अंदर मैं कुछ लाइनिंगें दूसरी लेके आया हूँ, फुल वॉयल की लाइनिंग लेके आया हूँ, ज़्यादातर यही यूज़ होती है। अगर जैसे ऑर्गेन्जा है, कोई सिंथेटिक कपड़ा है, उसमें कॉटन टाफ्टा डाई करवा के वो भी हम लगाते हैं, वो भी बेस्ट है, वो सबसे ऊपर है। इसको हम बिना वाश किए तो लगाते नहीं, क्योंकि वाश करके जो भी श्रिंक होनी होती है कपड़ा, वो पहले ही श्रिंक हो जाता है। ये अभी बिल्कुल नहीं है, इसको मैं अभी वॉश करके सुखा के प्रेस मार के फिर ये सूटों के ऊपर लगेगी। ये 35 मीटर लाइनिंग कर ली मैं लेके आया हूँ सारा सामान। तो ये सब सामान होता है बुटीक के लिए, और भी काफ़ी कुछ होता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक ये जो मैंने आपको दिखाया था, जो पैंट प्लाजो हम बनाते हैं उसकी बेल्ट में ये जो बुकरम लगाते हैं, ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आपको सॉफ्ट वाली लगानी है तो ये आप मांग सकते हैं, जब भी मटेरियल वाली शॉप पर आप जाओगे तो वहाँ उसको कह देना भी शर्ट की जो पट्टी में पेस्टिंग लगती है, पट्टी वाली पेस्टिंग, वो आप, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके भी एक साइड में ये आपको शाइनिंग दिख रही होगी, इसकी एक तरफ इसकी शाइनिंग है, एक तरफ ये डल है, सूखी है, बिल्कुल ड्राई है। तो जो शाइनिंग वाली साइड है वो प्रेस से चिपक जाती है, इतनी ज़्यादा पकड़ है ना इसकी, बाद में ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी, कपड़े में रम जो हो जाती है। ये सब सारा सामान है। इस तरह की और जानकारी जहाँ डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, तो इस तरह की वीडियो आपको मैं देता रहता हूँ। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन सीखने का मौका मिलता है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है बिल्कुल, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, ये जो अभी सारा सामान मैंने आपको बुटीक के लिए बताया है, ये मैं अपनी बुटीक में यही सारा यूज़ करता हूँ। जो मटेरियल मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा ही यूज़ करूँ, क्योंकि सूट सब महंगे होते हैं तो मटेरियल भी अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अपनी वीडियो पे मैं आपको हर बार कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।